नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बीते शुक्रवार को हमने एक खबर चलाई थी कि डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत मुड़पार में 11 परिवारों का ग्राम प्रमुख ग्रामवासियों ने मिलकर बहिष्कार कर दिया है। मामले की शिकायत पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य सहित स्थानीय प्रशासन से की थी, जिसमें गांव के 23 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की गई थी। इस संबंध में डीएनएक्स पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य, एसडीएम अविनाश भाई, एसडीओ पी चंद्रेश ठाकुर निर्देशन, थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो और तहसीलदार अविनाश ठाकुर सहित प्रशासन का अमला गांव पहुंचा और दोनों पक्षों के साथ लगातार बातचीत, और बातचीत सफल रही। दोनों ही पक्षों के बीच प्रशासन ने सुलह करवाकर मामले का पटाक्षेप कर दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत मोड़पार में हुए उप सरपंच चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी इंदिरा चौधरी सहित महिला सरपंच अनीता ठाकरे व सहयोगी पंच व अन्य 10 परिवारों को गांव से बहिष्कार कर दिया गया था और गांव में सम्मिलित करने के लिए 2.5 लाख रुपए, किसी को 1.5 लाख, इस तरह 7 लाख का दंड देने का फरमान जारी किया गया था, जिससे बहिष्कार हुए परिवारों को दैनिक जीवन यापन करने में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बातचीत, लेन देन व खेत में काम काज सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहिष्कृत परिवारों के सदस्यों ने कलेक्टर राजनांदगांव जयप्रकाश मौर्य, एसडीएम डोंगरगढ़, थाना प्रभारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई थी। डीएनएक्स टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन अमला ग्राम मोड़पार पहुंचकर दोनों ही पक्षों का बैठक लेकर समझाइश दिया गया। समझाइश के बाद ग्रामीणों ने एकमत होकर प्रशासन के निर्णय को मानने को तैयार हो गए और अब गांव में पहले जैसा खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है। डीएनएक्स टीवी के लिए डोंगरगढ़ से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। ग्राम मुड़पार से वहाँ के सरपंच दादा ठाकुर द्वारा शिकायत की गई थी कि वहाँ करीब 11 व्यक्तियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, और जिसमें हमको सूचना मिलने पर एसडीएम साहब को इस चीज़ की बात दी गई। एसडीएम साहब को भी जानकारी देने के बाद में मैं और तहसीलदार साहब मौके पर जाकर दोनों पार्टी को बुलाया और दोनों पार्टी से बातचीत करने के पश्चात, काफ़ी लंबी बातचीत होने के बाद में दोनों पक्ष आपस में इस बात से राजी हुए हैं कि हम दोनों जो पार्टी हैं साथ रहेंगे और किसी से मनभेद और मतभेद नहीं होगा और दोनों एक दूसरे से मिलकर आपसी मतभेद को ख़त्म किए हैं। अभी दोनों पार्टी गांव में रह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत, माहौल ठीक ठाक, माहौल शांतिपूर्ण है और उम्मीद करते हैं कि अब दोबारा ऐसी घटना वहाँ नहीं।